गाइस बेस्ट बैकग्राउंड कलर चेंज ऐप इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। अगर आप लोग लाइटरूम एप्लीकेशन को यूज़ करते हो तो गाइस इस एप्लीकेशन को आप लोग जरूर एक बार यूज़ करके देखना, आप लोगों को लाइटरूम से भी बेहतर लगेगा। एंड इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोग बहुत ही इजीली किसी भी कलरटून में फोटो को रिटचिंग कर पाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखो एंड स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को सिखाया हूँ, ठीक है। वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो एक लाइक करो, इस चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो। चलेगा इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ओके गाइस, सबसे पहले प्ले स्टोर से फोटो डायरेक्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एंड डाउनलोड करने के बाद गाइस ओपन कर लीजिए फोटो डायरेक्टर एप्लीकेशन को। एंड जब ओपन करोगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। गाइस आप लोग बहुत ही इजीली इस एप्लीकेशन के मदद से फोटो को रिटचिंग कर पाओगे, यानी बैकग्राउंड का जो कलर है उसे चेंज कर पाओगे। कैसे कर पाओगे मैं आप लोगों को इजीली बता दूंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखना। गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो एडिट वाले ऑप्शन, इस ऑप्शन के अंदर आप लोगों को प्रेस करके नॉर्मल फोटो को इनपुट कर लेना है, ठीक है। सो गाइस मैं नॉर्मल फोटो को इनपुट कर लेता हूँ। एंड इनपुट करने के बाद गाइस मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप रिटचिंग करना सिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, नहीं तो आप लोग कुछ भी समझ में नहीं पाओगे, ठीक है। यहाँ पर मैं फोटो को सिलेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए गाइस। एंड गाइस यहाँ पर मैं फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा एडजस्ट वाले ऑप्शन, इस ऑप्शन के अंदर आप लोगों को प्रेस करना है। और यहाँ पर एक्सपोजर का मतलब है गाइस ब्राइटनेस, अगर आप लोग फोटो का ब्राइटनेस ज़्यादा करना चाहते हो तो कर सकते हो। कॉन्ट्रास्ट है और हाईलाइट भी है, एंड जो भी आप लोगों को यूज़ करना है कर सकते हो। लेकिन गाइस आप लोग कैसे बैकग्राउंड का कलर चेंज करवाओगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके लिए गाइस आप लोगों को लास्ट में जाना है, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा HSL टूल, इसके अंदर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद गाइस जो भी आप लोग कलर चेंज करना चाहते हो उस कलर को सिलेक्ट कर लीजिए। गाइस मान लो मुझे ग्रीन कलर चेंज करना है तो मैं ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके ह्यू को राइट करूंगा तो यहाँ पर जो कलर है ब्लू हो जाएगा। अगर माइनस की तरफ करूंगा तो येलो हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो सेचुरेशन को अगर हाई करोगे तो बैकग्राउंड के अंदर ज़्यादा कलर आ जाएगा। एंड आप लोग देख सकते हो कितने ईजी तरीके से यहाँ पर मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दिया। एंड अब गाइस यहाँ पर ब्लू कलर को मैं चेंज करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो शर्ट का कलर भी चेंज हो रहा है। एंड यहाँ से एक बार मैं राइट क्लिक कर दूंगा, फिर से दोबारा एडजस्ट वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है, HSL टूल्स के अंदर जाना है, येलो कलर को सिलेक्ट करके ह्यू को माइनस की तरफ कर देना है। एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो कलर है ब्राउन टाइप का आ चुका है, यानी ऑरेंज। और उसके बाद सेचुरेशन को अगर हाई करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, अगर माइनस की तरफ करोगे तो ब्लैक टोन में एडिटिंग हो जाएगा। कितना ईजी है गाइस इस एप्लीकेशन के अंदर एडिटिंग करना। ऐसा टोन देने के लिए आप लोगों को लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन गाइस इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोग बहुत ही ईजिली किसी भी कलर टोन में फोटो को रिटचिंग कर सकते। तो गाइस अगर आप लोग इस एप्लीकेशन के अंदर रेड कलर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ब्लू कलर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आप लोगों को बार बार एक बार सेव करके कुछ इस तरीके से दोबारा जाना है एंड आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब गाइस आप लोगों को पोर्ट्रेट टूल्स के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। पोर्ट्रेट टूल्स के अंदर गाइस आप लोग फेस को स्मूथ कर सकते हो। यहाँ पर स्किन स्मूथ जो ऑप्शन है ना, इसको सिलेक्ट करके गाइस सिर्फ स्किन के अंदर आप लोग कुछ इस तरीके से पेंट कीजिएगा एंड आपका जो स्किन है स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजीली स्मूथ हो जाएगा गाइस, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर एक बार जरूर ट्राई करके देखना, मैं इस वीडियो बना रहा हूँ इसलिए गाइस बहुत सारे लोग लाइटरूम एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर पाते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वगैरह होता है। इसलिए गाइस इस एप्लीकेशन को आप लोग अगर एक बार यूज़ करोगे ना तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, एक बार यूज़ करके देखना, ठीक है। सो गाइस आज के लिए इतना ही था, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करो, इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय।